हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। बहुत दिनों से मैंने कोई फुल व्लॉग नहीं डाला था। मैं सोचा आज वीकेंड है और हम जा रहे हैं हाउस वार्मिंग पार्टी में, तो क्यों ना एक फुल व्लॉग बनाया जाए, आप सभी को एक हाउस टूर दिया जाए कनाडा के एक घर का। और अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है पूजा और इस चैनल का नाम है तशान डेलियाज। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन, जिनके यहाँ हाउस वार्मिंग पे आए हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, वहाँ पे। चलिए क्विकली आपको एक हाउस टूर देते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये भी अपना ही एरिया है, अपने लॉट एरिया में ही आता है इनके। इधर गैराज भी है। काफी लोग हैं अभी अंदर ऑलरेडी। ये वैसे मेन एंट्रेंस है। हेलो, ओके। तो ये एंटर करते ही यहाँ पे आई एम श्योर ये क्लोजेटों का जैकेट वगैरह के लिए, राइट? जो कि ना खुले तो ज्यादा अच्छा है। ओके ठीक है। ये ऊपर के लिए स्टेयर्स चली जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर शायद बेडरूम वगैरह होंगे और ये आपका है लिविंग स्पेस। तो अगर राइट साइड में जो है वो डाइनिंग एरिया है। डिसेंट साइज। Spacious. इधर ये किचन का एरिया स्टार्ट हो जाता है और किचन से जो डोर निकलता है बैकयार्ड के लिए है। इधर पीछे पूल वगैरह सब कुछ है जो मैं अभी दिखाऊंगी। और किचन में भी स्टोरेज जो है वो काफी अच्छा दे रखा था। ये पैंट्री एरिया दे रखा है और इसके अलावा ये ग्राउंड फ्लोर पे एक पाउडर रूम है। और किचन से एक डोर ये डाइनिंग एरिया के लिए भी दे रखा था। डाइनिंग एरिया मुझे इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट लगा और अंकिता ने रखा भी काफ़ी अच्छे से था। मतलब बाकी घरों में ना ऐसे एक सेपरेट डाइनिंग रूम नहीं दिया होता है। फिर ग्राउंड फ्लोर पे आपका बैकयार्ड है जिसमें पूल है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे लोगों की पार्टी चल रही है। सब्सक्राइब एंड लाइक। बहुत लॉट एरिया ये बहुत ज्यादा है, 6000 स्क्वायर फीट का लॉट एरिया है। आउट हाउस भी है। ये बच्चों का प्ले एरिया है। हाँ। Somebody's asking.
स्टोरेज के लिए भी बना हुआ है बाहर। ये बाहर बारबेक्यू सेटअप कर रखा था और एक छोटा सा फ्रिज भी था, और ये गैराज के बगल से भी एक एंट्रेंस था। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में कारपेट लगा हुआ था ऑलरेडी, और अच्छा एरिया दे रखा था। बेसमेंट में भी एक पूरा फैमिली रूम था, फिर एक अटैच्ड उससे बेडरूम था जिसमें अर्जुन अभी सो रहा है। काफ़ी अच्छा एरिया दे रखा था, और ये बड़ा सा 85 इंचेस का टीवी लगा रखा था। और ये रविंदर जिनका घर था, ये अपने सभी दोस्तों को मंदिर दिखा रहे थे जो उन्होंने खुद बनाया है। बेसमेंट में फैमिली रूम से अटैच्ड ही एक एरिया था जिसमें वॉशर ड्रायर और अपना लॉन्ड्री का सारा सामान रखने का स्टोरेज का एरिया था, और यहाँ पे उन्होंने मंदिर भी अपना स्थापना करी हुई थी जो कि बहुत सुंदर था। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मास्टर बेडरूम, उनके बेबी का बेडरूम वगैरह सब कुछ था। तो चलिए अब दिखाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में सबसे पहले एक वॉशरूम दिया हुआ था जो कॉमन वॉशरूम है, और वॉशरूम का स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने आपको अंदर जा कर के दिखाया। और बाथटब भी था, एक सेपरेट स्टैंडिंग बाथ एरिया भी था, और काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ था वॉशरूम में इसलिए मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और रूम था जो कि उनकी बेटी का रूम था, आपको कलर देख के समझ आ गया होगा। और ठीक है, ये भी डिसेंट साइज रूम था, इसमें एक मुझे लगता है क्वीन बेड तो आ ही सकता है। ये मुझे लगता है सोफ़ा बेड जो होता है वो दिया हुआ था, एक कबर्ड था, और ये विंडो जो है इस रूम से दी हुई थी। नीचे आप पूरा अपना बैकयार्ड में देख सकते हो, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब कुछ। तो चलिए अब इस रूम से निकल कर के नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सामने एक और रूम था जिसको अभी ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑफिस रूम बनाया हुआ था। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी विंडो थी जिससे आप बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ देख सकते हो, और स्टोरेज भी थी। तो चलिए अब देखते हैं उसके अलावा मास्टर बेडरूम कहाँ है। इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ोगे तो इधर था घर का मास्टर बेडरूम जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ था इसका। एक मुझे लगता है किंग साइज़ बेड आराम से आ सकता था, और उसके अलावा काफ़ी स्पेस था। क्रिब आप देख ही सकते हो, बच्चे का स्विंग, क्रिब वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, उसके बाद भी स्पेस की कोई कमी नहीं लग रही है, और लाइट भी इनफ थी रूम में। और ये मुझे लगता है सामने टीवी वगैरह के लिए दे रखा होगा जो वो सेटअप करेंगे मे भी आगे। और ये था आपका मास्टर बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम था जिसका काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ था। मतलब सारे वॉशरूम्स के, मतलब दोनों वॉशरूम्स जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं उनका साइज़ काफ़ी अच्छे थे। ये आपका एक क्लोज़ेट है, मे बी वॉक इन क्लोज़ेट होगा। और ये अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर रेजिडेंशियल एरिया था पूरा, काफ़ी अच्छा था, नेबरहुड काफ़ी अच्छा था। दोस्तों कैसा लगा आपको ये होम टूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी डिटेल्स, कितना एरिया है, क्या इसका प्राइस है, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें डालूंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।